नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिमाचल टुडे जी के यूट्यूब चैनल। आ गए एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस हैं बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सन 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? जो 1805 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था, इनमें से किसने किया था ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमर सिंह थापा ने जो है 1805 पर पाँच में जो है कांगड़ा पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किसने 900 ईस्वी में कहलूर रियासत की स्थापना की थी? जो कहलूर रियासत की स्थापना किसने की थी, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बीरचंद ने कहलूर रियासत की स्थापना की थी। और कब की थी? 900 ईस्वी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन शिमला से किसने किया था? जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था अंग्रेजों के खिलाफ, उसका जो संचालन शिमला से किसने किया था? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमृत कौर ने। जो अमृत कौर ने शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, औंधवर शासकों के सिक्कों पर कौन सी छवि पाई जाती है? जो औंधवर शासकों के सिक्के थे उनमें इनमें से कौन सी छवि, कौन सी आकृति थी? जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, त्रिशूल की। उनके सिक्कों में त्रिशूल की आकृति थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, HPCA का गुम्मा क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में है? जो गुम्मा क्रिकेट स्टेडियम है वो इनमें से किस जिले में है? जो गुम्मा क्रिकेट स्टेडियम है वो है शिमला में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? HPTU कहाँ पर है? वो है हमीरपुर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सोनालिका किस फसल की किस्म का नाम है? जो सोनालिका है वो कौन सी फसल की किस्म का नाम है? इनमें से जो सोनालिका है वो रिलेटेड है गेहूं से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो सोनालिका है गेहूं की एक फसल की किस्म है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अंत्योदय योजना शुरू हुई थी? जो अंत्योदय योजना थी वो इनमें से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शुरू की गई थी? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शांता कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऋषि हिमालय से संबंधित नहीं है? चार ऋषियों में से कौन सा जो है हिमालय से संबंध नहीं रखता? जो व्यास है ये भी हिमालय से संबंध रखते हैं, लोमस और मार्कंडेय भी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो वाल्मीकि है वो हिमालय से संबंध नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू में ब्रिटिश किस्म के सेब किसने लगाए थे? जो कुल्लू में जो ब्रिटिश किस्म के सेब लाए थे और वो लगाए गए थे, किसने लगाए थे, उनका नाम पूछा है आपसे। तो इसका जो आंसर है वो है आरसीली। इन्होंने जो है कुल्लू में ब्रिटिश किस्म के सेब के पेड़ लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा है इसके जो पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे जयवंत राम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 मेगावाट क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना रोंगटोंग कहाँ पर है। जो रोंगटोंग परियोजना है उसकी जो क्षमता है वो है 2 मेगावाट। तो ये जो रोंगटोंग परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है, ये जो स्थित है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कालका से हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था। जो हिंदुस्तान तिब्बत सड़क है ये कालका से बनी है, तो इसका जो काम है किस वर्ष शुरू हुआ था, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1850 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है धर्मशाला के किस भूविज्ञानी को पद्मश्री दिया गया है। जो धर्मशाला से संबंध रखने वाले भूविज्ञानी हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है उनका नाम पूछा है, उनका नाम है विक्रम ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूरों की भूमि रिब्बा हिमाचल के किस जिले में है। जो रिब्बा है उसे अंगूरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पर है, वो है किन्नौर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सा दर्रा लाहौल को स्पीति से अलग करता है। जो लाहौल को स्पीति से अलग करने वाला दर्रा है उसका नाम है कुंजुम दर्रा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुंजुम दर्रा है लाहौल को स्पीति से अलग करने वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट खुला है वो कब खुला था, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1971 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रदेश में एसएमसी टीचर्स को कितने साल की एक्सटेंशन दी गई है। जो एसएमसी टीचर्स हैं उन्हें दी गई है 1 साल की एक्सटेंशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाजो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। जो लाजो है एक पुस्तक का नाम है, इसके राइटर का नाम पूछा है आपसे, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी शांता कुमार। इसके जो राइटर हैं वो है शांता कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चंबा के किस राजा ने ब्रह्मपुरा से राजधानी को चंबा स्थानांतरित किया था। जो चंबा का कौन सा राजा था जिसने ब्रह्मपुरा से जो राजधानी थी उसे चंबा को स्थानांतरित किया था, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी साहिल बर्मन ने जो है ब्रह्मपुरा से राजधानी जो है चंबा को स्थानांतरित की थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।